दोस्तों अभी हम लोग प्रिमिटिव फिशिंग करने वाले हैं, तो ये देख पर इसको हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिश है, रुक अंदर फंसाना पड़ेगा। यार मैं बहुत लकी हूँ, आजकल हाइपिन बास मिलते कहाँ है, मुझे इतने सारे तो मिले कम से कम। दोस्तों हमारे ह्यूज ब्रीडिंग प्रोजेक्ट के लिए नए फिश आ चुके हैं, ये सब देखिए। आज हम आ चुके हैं एक लोकेशन पर जहाँ पे हाइपिन बास मिलता है, तो हम हाइपिन बास की तलाश में हैं। और ये बॉब्स इतने खूबसूरत होते हैं मैं आपको क्या ही बताऊं, जो असम की रिवर में बहुत ज्यादा पाया जाता है। बाकी रिवर्स में पाया जाता है कि नहीं मुझे नहीं पता, आप लोग देख लेना हाइपिन बास किसे बोलते हैं। अभी पकड़ने वाले हम लोग, एंड एक साथ अगर आप हाइपिन बास को 50-60 टैंक्स पर रखो तो सोचिए उनकी ब्यूटी कैसे होने वाली है। तो मैं रिवर पर पहुंच चुका हूं, देख पा रहे हो बिल्कुल सामने, और यहां पर मैं चेक करूंगा अभी हाइपिन बास किधर किधर है, और उसी हिसाब से हम लोग कास्ट नेट यहां पे यूज़ करने वाले हैं। तो इस रिवर पे हम लोग ऑलमोस्ट कुछ 6-7 महीने के बाद आए हैं, और यहां पे काफ़ी सारे मुझे बार्ब्स दिख रहे हैं एक्चुअली। और ये सब आप देख पा रहे हो, ये जो प्लांट्स है ना, ये सभी कोबाम्बा है, ठीक है। बहुत सारे मैंने बार्ब्स देखा यहाँ पे, मैं नेट लेकर आओ पकड़ने वाला हूँ, ट्राई करते हैं। और आके देखिए इतना शांत माहौल है, इसलिए वाली जगह ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए अबे गाय भी चरा रहे लोग, देखो। तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत फिशिंग कर सकते हैं। वहाँ यहाँ पे हाइफिन बार दिख रहा है मुझे यार, सीरियसली तो यहाँ पे नेट मारता हूँ पहले। तो जस्ट मैंने 2 बार ट्राई किया, और आप देख पा रहे हो ये हाइफिन बार जो बहुत ही रेयर है और हम लोग को मिल गया है, मतलब ये आजकल मिलता नहीं है। मैं देखो दोनों के दोनों वही है, ये देखना हाँ, जब मैं इनको अरे इधर आ जा टैंक में रखूँगा ना, ये देखो। तो देख पा रहे हो हाइफिन, इसलिए देखो इसको ऊपर का फिन देखो एकदम अमेजिंग है। इसी तरीके से दूसरा वाला भी है, ये एक एंड देन यहाँ पे एक और है, देखो ये रहा। तो बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन आने के बाद ही, ये टैंक में छोड़ने के बाद आपको पता चलेगा इसकी ब्यूटी। एक पीछे एक सुंदर सा छोटा सा देखना स्पॉट भी है पूरा, एकदम ऐसा नहीं लग रहा ये पिकॉक का स्पॉट, वैसा वाला स्पॉट लग रहा है पीछे देख, टेल को ऊपर कर, हाँ देख कलर देखो ब्लूइश कलर का, एनी फिन देखो इसका। चलो और पकड़ते हैं, पूरा मुझे एक गैंग चाहिए, डाल दो नीचे। चलो 2 मिल गए हाइफिन बार, देखो ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा अभी। वो इधर 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 बहुत सारा है, रुको रुको। बहुत सारे थे यार, बहुत सारे थे। निकल गए शायद, कुछ तो आ जा। एक तो आया है, मैं देखा है एकदम अमेजिंग साइज है, देख 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 ये देख। ओ ये कौन सा फिश है रे, ये तो बार्ब है, देख साइज बढ़िया है, ये फीमेल है, एक्स भी है इसमें लोडेड। बकेट लेके आ, इसको डाल देते पहले, ये एक है। यहाँ पे एक छोटा सा देख, छोटा सा कितना प्यारा है, ये रहा एक छोटा सा बिल्कुल फ्राइज। देख रहा हूँ और कुछ है क्या, ये देख ये रहा देख, ये हाइफिन वाला है देख। दोस्तों ये बता रहा था मैं, देखिए इसका फिन दिखाऊं मैं आपको, ये देखो अमेजिंग है ना, बहुत ही सॉलिड है, ये मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इस वक्त मिल रहा है हम लोग को ये छोटा सा, देख कितना प्यारा है।
हाइफिन बार रही भी। वाह ये कौन सा है? ये क्या तेरे को स्नैक से मिल गया हाथ से? नाइस। तो अभी हम लोग प्रिमिटिव फिशिंग करने वाले हैं, तो ये देख पा रहे इसको हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिश है, सब घूम रहे हैं। ये बाब्स हाइफिन बाब्स है, ये हमें इस बार चाहिए। तो ये देखिए यहाँ से पूरा रिवर से जो है फिश आ रही है। इस लेन में अगर फंस गए ना तो यहाँ से इसके अंदर चले जाएंगे। तो पानी धुंधला करके हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। पहले हम लोग इसको लगाते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। रुक, ये पूरा अंदर फंसाना पड़ेगा। ये तो लगा दिया हम लोगों ने, तो फिश को भगाएंगे तो यहाँ पे आएंगे तो पकड़ना पड़ेगा यहाँ से हमें फिश को। फीमेल है, नाइस बार्ब का कलेक्शन। और देख और भी रहेगा शायद, देख तो हाइफिन है क्या? हाँ तो क्या आया, एक हाइफिन आया और एक आई थिंक लोच आया। दिखा दिखा दिखा, हाइफिन बार्ब है। एक और है वो रहा छोटा सा। ये दो है, तीन चार है, बहुत सारा है। इसको भी रख, सब हाइफिन है। लोच डाल दे, बहुत प्यारा लोच है वो। ओके दोस्तों, हाइफिन बाब्स के काफी बढ़िया कलेक्शन हो गए। देखो बहुत सारे हो गए, बहुत ही खूबसूरत बाब्स है। और पकड़ते देखो ना हाइफिन के, आप देखिए ये कितना यूनिक लगता है यार। बाप रे, ये बिल्कुल नॉर्मल बाब्स नहीं है। वो देखिए एक ग्लास में दिखाऊंगा आपको। ये रहा इधर है। फीमेल है ना, आई थिंक फीमेल है। डाल और देख तो दिखा, इसमें एग्स है शायद। ठीक है ये देखो कितना बड़ा किली है। ये है किली दोस्तों, काफी बड़ा सा इसका। ये देखो मिला हमें, छोड़ दे। फाइनली हम यहाँ पर इतने सारे फिश लेकर जा रहे हैं। तो देख पा रहे हैं आप, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 करीब 20 फिशेस यहाँ पे होंगे आराम से, और हाइफिन बास आप देख ही पा रहे हो। ठीक है तो चलिए इन सबको लेकर चलते हैं घर पे और एक टैंक पे डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इनकी ब्यूटी। अरे हमें रखा हुआ है, निकल ही गया। देखिए कितना प्यारा जगह है ना, एकदम शांत जगह है। क्या देख रहा है मुझे, तेरे लिए नहीं है, बारिश आने वाली है शायद। ये देखिए गांव का रास्ता कितना अच्छा लगता है। यहाँ पूरा राइस प्लांटेशन हो रहा है। चलते हैं फिर घर पे जाके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या फिश लेकर आई है। मेरा फिश रूम, एक मिनट, इधर एक और रूम दिख रहा है आप लोगों को। यह है मेरे खुद के भाई का एक नया कंप्यूटर लैब जिसका नाम है लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जी हाँ दोस्तों, ये इसने खोला हुआ है और ये 1 अक्टूबर से चालू होने वाला है। अंदर आइए। तो दोस्तों इस लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे आप बहुत सारे कोर्सेज सीख सकते हो, एंड साथ ही में दोस्तों ये कोर्सेज आपको 3 months, 6 months and 1 year के ड्यूरेशन में अवेलेबल है, साथ में ह्यूज डिस्काउंट के साथ। खुद का भाई करें तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही रहा होगा, डिस्काउंट आपको आराम से मिलेगा। जो भी बोंगाईगांव में है या बोंगाईगांव के आसपास से है जो सीखना चाहते हैं, प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिए, मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, या फिर तुम्हें नंबर दे के रखा हुआ है वहां पर आपको मिल जाएगा, आप नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड आइए अंदर, यहाँ पे अभी शुरू हो रहा है। ये देख पा रहा हूँ ये कंप्यूटर्स यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने सेटअप किया हुआ है। कुछ 5 कंप्यूटर्स है एंड बाकी रूम्स भी अभी सेटअप होने वाला है बहुत जल्दी। दोस्तों अगर आप लोगों को सीखना है तो इस कंप्यूटर क्लास को अभी से ज्वाइन कीजिए और कॉन्टेक्ट कीजिए, जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर कॉल कर लीजिए और स्पेशल कोर्सेज के बारे में जान लीजिए। दोस्तों तो चलो शुरू करते हैं हमारे इन कोई कार्प से। ये देखिए मिल्की कोई कार्प जो मैं लेकर आया था गलीफ स्ट्रीट से, आप लोग को पता है। तो इनको अभी मैं एक्लिमेट करके रिलीज करने वाला हूँ, पॉन्ड में नहीं, पॉन्ड के पहले मैं इनको रिलीज करने वाला हूँ एक बड़े से बकेट में, उसके बाद इनको पॉन्ड में रिलीज करेंगे। ये देखिए इसका प्लास्टिक इतना बड़ा है। अभी हम इस कोई पॉन्ड का जो है पानी भी चेंज करने वाले हैं और फिर यहाँ पे थोड़ा पानी भर देंगे। यहाँ पे देखिए मोटर वगैरह हम लोग फिट कर रहे हैं।
तो इसको पहले एक्लिमेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सारे बहुत सारे फिश भी हैं, इनको भी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। जैसे ये आप देख पा रहे हैं पोलैंड रेड, और ये सारे फीमेल्स हैं, इसमें 6 फीमेल्स हैं, ऐसा मैं 2 लेकर आया, मतलब कि 12 फीमेल्स। और ये पोलैंड रेड है, बहुत ही खूबसूरत गप्पीज़ है। अभी इनके मेल्स हमारे पास है नहीं, लेकिन सारे फीमेल्स हैं, बट कोई बात नहीं, सबके सब लोडेड है। तो होपफुली कुछ ही दिनों में ये डिलीवर करने वाले बच्चे, देखो यहाँ पे 6 और 6, 12 पोलैंड रेड के फीमेल्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ मॉलीज़ हैं, यहाँ पे 12 मॉलीज़ हैं। ये थोड़े से छोटे साइज़ के हैं, आई थिंक ये भी कुछ 2 महीने के होंगे, 3 महीने के। और इनको भी मैं बैकयार्ड में ही छोड़ने वाला हूँ, बैकयार्ड में इनको छोड़ दूंगा तो इनकी भी ब्रीडिंग हो जाएगी। ये सब ब्रीडिंग के लिए हम लोगों ने जो यहाँ पे लाया हुआ है। देन ये कुछ इंडोनेशियन बटरफ्लाई, कुछ गप्पीज़ मुझे बोला गया था, तो ये गप्पीज़ भी सारे 6 के 6 फीमेल्स हैं, ये भी कुछ दिनों में डिलीवर करने वाली है। यहाँ पे कुछ एंजल्स है, देख पा रहे हो, ब्लैक एंड कुछ प्लैटिनम एंजल्स। इन सभी को मैं अपने प्लांटेड सेटअप में छोड़ने वाला हूँ, तो चलिए इन सभी को पहले एक्लिमेट करते हैं। और यहाँ पे हमारा देखो पानी चेंज हो रहा है, तो ये पानी में कुछ 30% वाटर चेंज करने वाला हूँ। और साथ ही में यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्लोविड और टट्रा है, जिसमें ऑरेंज एंड ग्रीन मैंने चुनकर लेकर आए थे, क्योंकि दोस्तों ये वाले कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। जब तक हमारा इस पॉन्ड से पानी चेंज हो रहा है, हम इस बकेट में, ब्लू वाले बकेट में थोड़ा पानी यहाँ से भी ले लेते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया वाला पानी। और यहाँ पे मिल्की कोई कार्प को हम रिलीज़ करने वाले हैं। फिर कुछ हमारे पास मॉलीज़ है, देख पा रहे, बिल्कुल लोडेड मॉलीज़ है, इनको भी मैं छोड़ने वाला हूँ, ये कुछ ही दिनों में डिलीवर करने वाले हैं। इन मॉलीज़ को हम आउटडोर पॉन्ड में छोड़ेंगे और इनकी भी ब्रीडिंग करेंगे, सब डेलमेशियन मॉलीज़। ये जितने भी आप पैकेट्स देख रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा फीमेल्स है, ठीक है, ये सब ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए मैं लेकर आया हूँ, एंड होपफुली हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, पहले तो मैंने इस वाले मिल्की कोई कार्प को यहाँ पे एक्लिमेट कर दिया है, और अब थोड़ी देर के बाद को मैं यहाँ पे रिलीज़ करने वाला हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, लाइक 2-4 दिनों के बाद। एक्लिमेट तो हो गया है, कितने लोगों को कोई कार्प पसंद है बताइए। ये मिल्की कोई कार्प मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं 2 लेकर आया हूँ। एंड साइज़ भी आप देख पा रहे हो, काफ़ी बड़ा साइज़ का है, छोटे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, इनको प्रॉपर खाना वगैरह देंगे, उसके बाद दोस्तों हम इनको छोड़ेंगे इस पॉन्ड में जो सामने आप देख रहे हो, फिर यहाँ से हम इसको शिफ्ट करेंगे बैकयार्ड में। वो थोड़ा लॉन्ग जर्नी है, लाइक 2-3 महीने के बाद, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे चलिए इन दोनों को छोड़ दिया, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, वाओ बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर मेरे पास 7 फीट का टैंक होता ना, तो मैं ऐसा 5-6 लेकर आता और 7 फीट के टैंक में छोड़ देता, तब इनकी ब्यूटी और मज़ा आता ना देखकर सामने से। दे लुक लाइक एंजल, सीरियसली। मैंने भी वाटर पंप बंद कर दिया है, और आप इनकी खूबसूरती को देखिए, इतने शाइन कर रहे हैं, क्या बताऊँ। घर वाले देखकर बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि लिटरली मतलब उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये हमारे मिल्की कोई कार्प। इधर हमने अपने ग्लोविड और चट्रा को भी एक्लिमेट करने के लिए रख दिया है, देख रहे हो, थोड़ी देर के बाद मैं इनको छोड़ने वाला हूँ वैसे। और फिर इधर हम लोगों ने एंजल को छोड़ दिया है, देख पा रहे हो, ये वाला टैंक बहुत खूबसूरत है और ये एंजल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे एंजल्स को छोड़ा हुआ है। यहाँ पे 5 प्लैटिनम एंजल्स हैं एंड 5 यहाँ पे हमारे ब्लैक एंजल्स हैं, तो इस टैंक में तो एंजल्स बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं। फिर आउटडोर पॉन्ड में इन मॉलीज को छोड़ा, आप इन मॉलीज का हालत देखिए, ये देखिए, ये कम से कम 50-60 बच्चे तो दे ही देगी, क्योंकि बहुत लोडेड है और सब डेलमेशियन मॉलीज है, जो काफ़ी डिमांडिंग है और काफ़ी मुश्किल से मुझे मिल गया, इसलिए मैं लेकर आ चुका हूँ। आजकल ये दिखने को मिलता नहीं इतने आसानी से, और इनकी ब्रीडिंग मुझे करना है, ताकि मुझे जो है इनके ही फ्राइज बहुत सारे मिले, इसलिए मुझे डेलमेशियन मॉलीज तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग ऐसा लगता है ज़रूर बताना। तो इनको मैंने रिलीज़ कर दिया है, और आज के दिन इसको छोड़ते हैं, 2-3 दिनों में डेफिनेटली बच्चे देने वाले, मैं उसका भी अपडेट आप लोगों को इस वीडियो में दे दूँगा। फिर मैं आ गया था अपने बैकयार्ड में, कुछ पॉन्ड्स थे वहाँ पे और टैंक्स थे। तो दोस्तों अगर ब्रीडिंग करना है तो अच्छे से ही करना, राइट। और मेरे पास इतने सारे भी ब्रीड्स हो चुके हैं, मैं आप लोगों को अभी दिखाने ही वाला इस वीडियो में। दोस्तों देख पा रहे हो, पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। हम लोग 1 वीक के लिए कोलकाता गए थे, आप लोग को पता है, 5 दिनों के लिए, और अभी देखिए बिल्कुल सही वाटर है, साइकिल्ड है। यहाँ पे अभी हम फिश छोड़ देंगे बिंदास, एक भी फिश मरेगा नहीं, और बढ़िया ब्रीडिंग होने वाली है। ये वाला आप देख पा रहे हो, यहाँ पे थोड़ा पानी, ओके, यहाँ पे बहुत गप्पी क्रास है, मैं सोचा यहाँ पे मॉलीज छोड़ूँ एंड यहाँ पे दूसरे वाले मॉलीज या गप्पीज छोड़ूँ। देखते हैं, बहुत सारे टैंक्स है एंड पॉन्ड्स है, अभी देखते हैं किसमें क्या छोड़ना है। दिखा, ये क्या है, ओके, ये वाले मॉली यहाँ छोड़ते हैं, ये छोटे वाले मॉलीज है। एंड दिखा गप्पीज किधर है, कौन सा गप्पी है, ओके, ये रेड वाले है ना, हम पोलैंड गप्पीज है, यहाँ पे छोड़ता हूँ, एक यहाँ छोड़ देता है। ये वाले मैं छोड़ना चाहता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे 6 गप्पीज़ है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल, आई थिंक कुछ इंडोनेशियन गप्पीज़ कुछ बोल रहे थे वो लोग, तो यहाँ छोड़ते हैं। फ्राइज होंगे तो पता चलेगा बड़े होने के बाद, मेल्स लेकर। और ये फिर से सिमिलर, इसमें भी 6 है, लेकिन यहाँ पे क्राउडेड हो जाएगा, 6 ऑलरेडी मैंने डाल दिया, सेम पोलैंड समथिंग गप्पीज़, इनको मैं कहाँ छोड़ूँ। देखते हैं दोस्तों कौन सा पॉन्ड बेस्ट रहेगा, इसमें छोड़ू क्या, इसमें भी छोड़ सकते हैं या इसमें छोड़ूँ। तो दोस्तों ये छोड़ा मैं पहला बैच, जिसमें 6 गप्पीज़ है और फीमेल है, देख रहे हो, इनको यहाँ पे रिलीज कर देते हैं, जाओ भाई, ये गए यहाँ पे, ठीक है, इस वाले हमने पॉन्ड में छोड़ा हुआ है।
और ये जा रहा है सेकेंड बैच, देख पा रहे हो ये आई थिंक कुछ 10-15 दिनों में जो है डिलीवर करेंगे। ठीक है, लोड हो रहा है, इनको भी रिलीज़ कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैं छोड़ा 12 मॉलीज, देख पा रहे हो ये बहुत ही खूबसूरत है एंड इसमें मेल एंड फीमेल सब मिक्स्ड है जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये देखिए, ठीक है, इनको यहाँ पे हम रिलीज़ कर रहे हैं। ये गए, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा अच्छे से। हेलो दोस्तों, देखिए ये वाले, इनका टेल देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत कप्पीज है यार, और ये काफ़ी लोडेड है। मुझे लग रहा है ये भी कुछ 5-6 दिनों में बच्चे दे देने चाहिए। ये खूबसूरत कप्पीज है, कुछ इंडोनेशियन, देखिए फीमेल्स पूरे भरे हुए फीमेल्स। चलो जाओ भाई, नए घर पे जाओ। तो ये हो गया, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ दिनों के बाद इनका ग्रोथ। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट डे का नज़ारा, जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे हाइफिन बास पकड़े थे। अभी मैं आप लोगों को सामने से दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सारे हाइफिन बास को हम लोगों ने इस ग्लास में ले लिया है। वैसे ये देखिए कितने खूबसूरत है, यहाँ पे सबको नहीं लिया, यहाँ पे कुछ 6-7 है और बाकी कुछ हमारे बकेट में भी है। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर आप सर्च करो नेट पे तो ये असम के रिवर्स में पाया जाता है एंड वेस्ट बंगाल आई गेस, पता नहीं मुझे। तो ये हाइफिन बाब्स बहुत खूबसूरत है, इनका एक अलग सा टैंक बनेगा, एक साथ रखेंगे तो आप इनका ब्यूटी देखना। जैसे ही इनको एक रिवर वाला सेटअप मिलेगा तो इनका कलर भी बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगा और प्लस दोस्तों इनके साइज भी बड़े होंगे तो और खूबसूरत लगने वाले हैं। अभी आज के दिन मैं इनको बकेट में रखने वाला हूँ, थोड़ा एडजस्ट हो जाने देते हैं, उसके बाद इनको हम ट्रांसफर करके एक नए सेटअप पर। साथ ही मैं दोस्तों हम इस किली को कैसे भूल सकते हैं, किली को देखिए कितना खूबसूरत है। मैंने ये बाजार में भी देखा हुआ है बेचते हुए और मुझे रिवर से मिल गया, कितना खूबसूरत है। देखिए इसके पीछे के टेल्स में देखिए ऑरेंज कलर आ रहा है और जैसे ही टैंक मिलेगा तो इसका कलर इंप्रूव हो जाएगा, बहुत ही सुंदर। और इधर हमने अपने एंजल्स को भी छोड़ दिए थे तो इनको छोड़े हुए अभी 1-2 दिन हो चुके हैं। देखिए कितना घुल मिल गए और मस्त ये घूम रहे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मेरे सेटअप में ये एंजल्स लिटरली। अभी तो छोटे हैं इसलिए इस स्पेस में हो जाएगा, जैसे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो शायद मैं इनको एक बड़े वाले टैंक में ट्रांसफर करूंगा। अभी मैं इनको खाने के लिए देता हूँ, देखिए कैसे खाते हैं। देखिए खाना भी बहुत ही बढ़िया तरीके से खा रहे हैं हमारे एंजल्स और सारे के सारे एंजल्स बिल्कुल खुश हैं यहाँ पे। तो दोनों टाइप के एंजल्स रखे, एक प्लेटिनम और एक ब्लैक, कैसा लगा जरूर बताना। और साथ ही में ये वाला सेटअप आपको मेरे एंजल्स के लिए कैसा लगा वो भी आप कमेंट पे जरूर बताना। अब बारी आती है हमारे इस फ्लावर हॉर्न की, जहाँ पे इस फ्लावर हॉर्न ने एक पैरेट को बहुत हर्ट किया था, उस पैरेट को ठीक करके हम लोगों ने अपने मॉन्स्टर फिश टैंक में डाल दिया और इसकी ग्रोथ आप देख पा रहे हो एकदम दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। और ये शायद फीमेल है, अभी मुझे इसमें कन्फर्म हो रहा है कि ये फीमेल ही होगा, राइट। और इसके बाजू में है हमारे जायंट गुरमी जो इतना छोटा था और अब देखिए ना ये मतलब ग्लास में ऐसे ठोकर मारता है, कैसे क्या ही बताऊं मैं आपको। ये इतना एग्रेसिव है, सच में बहुत एग्रेसिव है और बहुत खूबसूरत है। ये देखिए किस तरीके से ग्लास में ठोकर मार रहा है, शायद इसको देखकर। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट पॉन्ड है, मैं कप्पी से कुछ अपडेट्स दे देता हूँ। तो ये पॉन्ड में देखिए ये हमारा नियन कप्पीज है, नियन डम्बो ईयर, देखिए यहाँ पे इतने फ्राइस हो चुके हैं और देखिए कितने बड़े बड़े हो गए। ये देखो ये सब फ्राइस है, देखो दिख रहा है क्या, ये देखिए बहुत बहुत ज़्यादा फ्राइस यहाँ पे हो चुके हैं। ये देखिए इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है एंड डकवीड आप देख पा रहे हो, इन डकवीड का आप ग्रोथ देखिए एकदम बढ़िया तरीके से डकवीड ग्रो हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हॉर्नवर्ड आप देख पा रहे हो, गप्पी ग्रास है, ठीक है, कुछ भी प्लांट्स यहाँ पे जो भी प्लांट्स में डालता हूँ एकदम बढ़िया ग्रो करते हैं। और आप गप्पी तो देख ही रहे हो, यहाँ पे फ्राइस आप देख रहे हो एकदम भरा हुआ है, देखो पूरा ये सब थोड़े एडल्ट है और ये सारे फ्राइस है, ये नीचे भरे हुए एकदम फ्राइस, ये देखिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉन्ड, चलिए चलते हैं दूसरे पॉन्ड पर। दोस्तों ये एक और पॉन्ड है जिसके बारे में मुझे बताना था, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ आप देख पा रहे हो, इसे वाटर पॉपी है। देन यहाँ पे देखिए ये है हमारा गप्पी ग्रास, देन यहाँ पे आई थिंक कुछ रोटाला हुआ है, ये ग्रीन कलर का रोटाला देख पा रहे हो। देन ये भी कुछ प्लांट्स हैं जो यूजली इंडोर में ग्रो नहीं करते लेकिन आउटडोर में मस्त ग्रो कर रहे हैं, डकवीट भी है। तो इसको मैंने स्पेशली ना प्लांट्स के लिए रखा है, तो कभी भी मुझे यहाँ पे चाहिए रहता है तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, ले सकता हूँ। एंड ये आई थिंक हमारा अमेजोन स्वॉर्ड या अमेजोन स्वॉर्ड भी हो रहा है, ये देखिए कली आ गया है पॉपी में खेलने वाला है। तो पॉपीज का आप ग्रोथ देख पा रहे हो, एनी पूरा पॉन्ड आप देख पा रहे हो फुल्ली प्लांटेड, मतलब कि मस्त मैंने इसको रखा है सिर्फ प्लांट्स के लिए। दोस्तों यहाँ पर ना एच बी ब्लू है और एच बी ब्लू इतने बच्चे दे ही रहे, देख पा रहे हो ये एच बी ब्लू के एडल्ट से 5 और ये सारे फ्राइस है, ये सारे देखो इतने बड़े हो गए, ये अभी 1 मंथ के हो चुके हैं फ्राइस, ठीक है। ये देखिए ये सब 1 मंथ के अभी हो चुके हैं, तो इनको रिलीज करता हूँ। 1 मंथ के ये हो चुके हैं और उसके अलावा अभी नए फ्राइज बहुत सारे आए हुए हैं। ये देखिए छोटे वाले फ्राइज दिख रहे हैं आपको, ये देखिए ये रहे देखो, ये सब छोटे फ्राइज है, ठीक है। ये अभी आई थिंक 4-5 दिनों के हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे फ्राइज हैं और ये सब एच पी ब्लू है, ये देखिए इतने प्यारे लगते हैं। तो ये देखिए दोस्तों एच पी ब्लू के फीमेल और मेल, फीमेल में तो बिल्कुल फ्राई नहीं है क्योंकि सब फ्राई डिलीवर हो चुका है, तो ये सब एच पी ब्लू है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
दोस्तों यहाँ पे पूरा भरा हुआ है सेंटा क्लॉज, देखिए कितने बड़े हो गए ये, आई थिंक 1.5 मंथ्स के हो चुके हैं। प्राइस देखिए, अरे आए नहीं, एक भी नहीं आए, रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये सब प्राइस आप देख पा रहे हो कितने ज़्यादा है यहाँ पे, ये देखिए ये सब अभी कुछ कितने हैं, आई थिंक 1-1.5 मंथ्स के होंगे। ठीक है, प्राइस में कलर्स आ रहे हैं, उसके बाद पता चलने वाला है कि इसमें मेल और फीमेल्स कितने हैं। देखिए इनका साइज़ देखिए, ये सब सेंटा क्लॉज है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये एक्चुअली सेंटा क्लॉज की फीमेल्स है, देख पा रहे हो कितने बढ़िया है। देखिए ये फीमेल्स है, क्वालिटी देखिए आप इनका, चलो रिलीज कर दो मैं इनको। ये एक और सेंटा क्लॉज है, देख पा रहे हो, ये देखिए यहाँ बच्चे भी बहुत सारे हैं। और इसको देखिए, ये देखिए मेल है और इस फीमेल को देखिए कितनी लोडेड है ये, ठीक है, काफ़ी खूबसूरत है एक्चुअली। देख ही पा रहे मेल को भी आप, देख पा रहे हो बहुत सारे। ये देखिए और आ गया, ये देखिए और भी आ गया, दो मेल आ गया यहाँ पे। ठीक है, रिलीज कर देता हूँ मैं। ये है पर्पल बेरी का टैंक, ये देखो कूद रहे, ये है वो पर्पल बेरी, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये अगर आप एक्वेरियम ग्लास पे रखोगे ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। देखिए मैंने इतने सारे एक साथ पकड़े हैं, ये देखिए सारे के सारे मेल हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरे मिक्स है, ये मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, काफ़ी सारे ठीक है, देख पा रहे हो बहुत बढ़िया कलेक्शन है यहाँ पे इम्पोर्टेड। एंड यहाँ पे ब्लैक है, ये भी मैंने नहीं दिखा रहा आपको, दिखा दिया है ऑलरेडी, काफ़ी सारे ब्लैक है यहाँ पे दिखा। ये सब थोड़े एडल्ट हो चुके हैं, यहाँ पे काफ़ी प्राइस है अंदर अंदर, मुझे पानी साफ करना है अभी। एंड दोस्तों यहाँ पे ज्वेल सिक्स के प्राइस है, ठीक है, मैंने आप लोग को दिखा दिया है काफ़ी सारे। और यहाँ पे एक और ब्रीडिंग चल रही है, और यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं प्लेटिनम के प्राइस है, देख पा रहे हो प्लेटिनम के बहुत सारे प्राइस है। तो ये देखो ये सारे प्राइस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अभी भर गए, ग्रोथ हो रही है इनकी देखो, ठीक है। तो प्लेटिनम के बाद यहाँ पे चिली मॉसिक है, ये देखिए चिली मॉसिक में काफ़ी सारे प्राइस है, ये एडल्ट है, ये देखिए यही होने वाला है बड़ा होकर, बहुत ही खूबसूरत है चिली मॉसिक। और इनके यहाँ पे पूरा प्राइस है, ये देखिए ये छोटा वाला है, ये देखिए एकदम छोटा सा, ठीक है चलो आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे गोल्डन है, तो ये वन ऑफ माय फेवरेट है, देख पा रहे हो ये गोल्डन को, एक मिनट रुकिए, ये देखिए सारे गोल्डन हमारे, वाव देखो ये देख कितना लोडेड है, अरे बाप रे, फीमेल को देखिए, अरे दोनों के दोनों फीमेल खतरनाक लोड हो चुके हैं, ये पक्का देने वाले हैं प्राइस बहुत ही जल्दी, देखिए इन फीमेल्स को। तो ये देख रहे हो दोस्तों, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, ठीक है छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे, बहुत सारे प्राइस है जो ग्रो कर रहे हैं, रिलीज कर दिया इनको। एंड दोस्तों ये है लास्ट, ये है मॉली टैंक, ठीक है, यहाँ पे इतने अभी और एडिशनल प्राइस हो गए, मैंने आप लोग को एक्चुअली एक शॉर्ट्स दिया था बट अभी और भी बच्चे हो गए, मैं कैसे दिखाऊँ। यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर के भी काफ़ी बच्चे हैं, ये देखिए ब्लैक, ओ इधर देख, ये देख देख बाप रे, ये गैंग देखो दोस्तों एक साथ जा रहे हैं, इससे बच्चे दे दिए, ये देखिए भरा हुआ है, कितना भरा है, बहुत है बहुत है बहुत है, देखो इधर इस कॉर्नर पे देख, इस कॉर्नर पे तो बहुत ज्यादा है, एक मिनट रुक देखना, हाँ ये देखो, ये देखो एक साथ जा रही है, ये देखो ये देखो ये देखो देखो कितने सारे, ज्यादा पानी गंदा नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट था, यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा बच्चे हैं।